अपनी कुर्सी की पेड़ियां बांध लीजिए और मेरी बातों को गौर से सुनिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप खुद बोलोगे, यार मजा आ गया, मैंने जिंदगी बदलने वाली बातें सीख ली। देखो, इंसान कितना भी मेहनती क्यों ना, मेहनत करते करते उसके पास ऐसा वक्त जरूर आ जाता है जिसमें उसे काम करने की हिम्मत नहीं होती। उसे लगता है कि यार अब मन ही नहीं कर रहा, मैं क्या करूँ, बाद में कर लेता हूँ। लेकिन आज मोटिवेशन देने के साथ साथ मैं प्रैक्टिकली बातों को समझाऊंगा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए खुद को पुश करना कितना ज़रूरी होता है। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक कहानी की मदद से। एक लड़का था जिसने हाल में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी थी। वो पढ़ने में बहुत तेज़ था, हर बार एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला के हर बार क्लास में टॉप किया था। लेकिन पास तो हो गया, रिजल्ट भी अच्छे आ गए, लेकिन बारी जब जॉब की आई तो उसे कहीं जॉब ही नहीं मिल रही थी। वो जॉब की तलाश में अपने गाँव से शहर में चला गया, 2-3 दिन काम की तलाश किया, लेकिन कहीं भी उसे कोई काम ही नहीं मिल रहा था। कहीं भी जाता लोग उसे मना कर देते। एक दिन बैठ के सोच रहा था, यार मैंने तो एग्ज़ाम में नंबर भी अच्छे लाए हैं, हर बार मैंने अच्छे से पास भी किया है, मुझे नॉलेज भी अच्छी है, फिर आखिर मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रही, आखिर हर बार मैं निराश होकर क्यों बैठ जाता हूँ। वो अंदर ही अंदर ये बात सोच के काफ़ी परेशान हो रहा था। आखिरकार वो हार मान के अपने घर की तरफ वापस निकल गया। तब तक उस मन में पता नहीं कहाँ से एक प्रेरणा आई कि यार एक और कोशिश करते हैं, चल एक कोशिश और। वो वहाँ बैठा ही था तब तक उसे एक अमीर सेठ का घर दिखाई दिया। उसने सोचा कि सेठ अमीर है, इसके पास जरूर कोई ना कोई करने को काम होगा, क्यों ना एक आखिरी मौका कोशिश करके देख ही लिया जाए। इतना सोचते ही वो सेठ के घर जाता है और बोलता है कि मालिक मेरे लिए कोई काम है। वो बोलते हैं कि हाँ काम तो है, लेकिन क्या तुम उससे कर पाओगे। उसने बोला हाँ मैं बहुत मेहनती हूँ, ये देखिए मेरे रिजल्ट्स, कितने अच्छे नंबर लाए हैं, मैं हमेशा क्लास में टॉपर ही रहा हूँ। वो मालिक बोला मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे दिख रहा है, तुम एक काम करो, वहाँ पे कुछ पत्थर पड़े हुए हैं, तुम इन्हें उठा के गड्ढे में भर दो, और गड्ढे में भर के तुम मेरे ऑफिस आ जाना। लड़का बहुत खुश हुआ और जल्दी जल्दी काम करने लगा। मालिक ने उसे बोला था कि जब तुम गड्ढे भर लो फिर तुम मेरे ऑफिस आ जाना, बाकी की बातें वहीं करेंगे। लड़का जल्दी जल्दी सारे ईंटों को उठा के उस गड्ढे में भर दिया और मालिक के पास जाके बोला कि मैंने वो काम ख़त्म कर लिया, अब मेरे लिए क्या आ गया है। मालिक ने बोला मेरे से गलती हो गई, तुम एक काम करो, उन पत्थरों को दोबारा से तुम उसी जगह पे रख दो। वो लड़का बिना किसी सवाल के दोबारा गया और उन पत्थरों को उठा के दोबारा उसी जगह रख दिया। बेचारा बहुत थक गया था, फिर भी मालिक यहाँ गया और बोला मालिक मैंने ये काम भी कर दिया। मालिक बोले आज तुम थक गए हो, आज तुम घर चले जाओ, बाकी तुम कल सुबह आ जाना। अगले दिन लड़का सुबह आया और मालिक ने उसे फिर से वही काम दिया। 2-3 दिन एक ही काम करने के बाद मालिक ने उसे पूछा क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता, क्या तुम थकते नहीं हो, क्योंकि तुमने एक बार भी सवाल नहीं किया। उस लड़के ने बोला नहीं मालिक, मैंने इसलिए नहीं सवाल किया क्योंकि मेरे पास जो भी काम है वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरे पास ना करने कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि मुझे काम पसंद है। मालिक खुश हुए और बोले दरअसल तुम्हारा इंटरव्यू यहीं हो रहा था, कल से तुम्हारी जॉब पक्की। देखो, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, प्रैक्टिकल लाइफ और किताबों में पढ़ी गई बातों में बहुत फ़र्क होता है। किताबों से पढ़ना आसान है, लेकिन असल ज़िंदगी में हमेशा वैल्यू प्रैक्टिकल लाइफ की होती है। आज की वीडियो में टोटल 4 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। ये 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें हमेशा नोट करके रखना। पहला पॉइंट, खुद को ज़बरदस्ती काम करवाने की आदत डालो, खुद को ऑर्डर देना सीखो, क्योंकि जब तुम मन को ऑर्डर देते हो तब तुम मन के मालिक की तरह बिहेव करते हो। जब तुम मन के दोस्त बनते हो तब हमेशा चीज़ें आपकी कंट्रोल के बाहर हो जाती हैं, इसीलिए खुद को ऑर्डर देना सीखो। या दूसरी भाषा में कहूँ तो हमेशा मन को कंट्रोल करना सीखो। जब तुम मन को नहीं, मन तुम्हें कंट्रोल करता है, तब अक्सर ज़िंदगी गलत डायरेक्शन में चली जाती है, इसीलिए मन हमेशा तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। दूसरा, अकेले काम करने की आदत डालो। देखो, जीवन में कामयाब वो लोग सबसे जल्दी होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अकेले रहते हैं। साथ बैठ के पढ़ने में और अकेले बैठ के पढ़ने में बहुत फ़र्क होता है। जब तुम अकेले पढ़ते हो तब तुम्हारा ध्यान किसी एक जगह पे लगता है और वही चीज़ उसके बारे में ज़्यादा सीखने के लिए सबसे अच्छी बात है। अपने काम की लिस्ट बनाओ, जो भी ज़रूरी काम है उसे उस दिन ख़त्म करो, ताकि कल के लिए कुछ न बचे। फालतू के लोग, फालतू के रिश्ते ना आते, या फिर वो फालतू की चीज़ें जो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर ले जा रही हैं, उन सबसे पीछा छुड़ा के अपने आप को एकांत कर लो तो ये भी अच्छा है। तीसरी, खुद की वैल्यू करो।
देखो, जब तक तुम खुद की इज्जत नहीं करोगे तब तक ये दुनिया तुम्हारी कभी इज्जत नहीं करेगी। खुद की वैल्यू, खुद की पहचान हमेशा तुम्हें पता होनी चाहिए। तुम्हें खुद को मालूम होना चाहिए तुम एक्चुअल में क्या हो। देखो, अपनी कमियों को जानना कोई बुरी बात नहीं है। जब तुम कमियों को जानते हो तब तुम उसके बारे में बदलाव के बारे में सोचते हो, और यही बदलाव जिंदगी बदलने का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। एक लिस्ट बना लो कि तुम्हारे अंदर क्या क्या बुराइयाँ हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आगे बढ़ने से तुम्हें रोक रही हैं, वो कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जिनका उपयोग तुम आगे बढ़ने के लिए कर सकते हो। देखो, जीवन में दूसरों पे नहीं खुद पे ध्यान देने से ही कामयाबी मिलती है। तुम खुद में जितना बदलाव करोगे, तुम खुद को जितना सुधारोगे, उतना ही तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छी बात है। दरअसल हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से लिंक होती है। सारा खेल बस नज़रिए का है। जिस नज़रिए से तुम देखोगे वैसा तुम्हें हर एक चीज़ दिखाई देगी। चौथा, खुद से सवाल करो। देखो, मुझे पता है सुबह शाम हर दिन ऐसे ही बीत जाता है, दिन का एक एक हिस्सा ऐसे निकल जाता है। लेकिन मैंने बोला ना कि हम जब खुद के बारे में सोचते हैं तब हमें गलतियाँ नज़र आती हैं। दुनिया को छोड़ो, खुद पे ध्यान दो, ये हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन जब हम खुद से सवाल करते हैं तो हम अपने अंदर ही कमियों को देखते हैं, और वही चीज़ हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। तुम दिन में डेली जितना काम कर रहे हो, शाम के वक्त हर एक चीज़ का हिसाब करो कि आज तुमने ज़रूरी काम में से कौन सा काम किया और कौन सा काम अधूरा रह गया, ज़रूरी किया था और कौन सी ऐसी चीज़ थी जो नहीं करनी चाहिए थी, तुमने आज क्या सीखा और आज तुमने क्या जाना। वो एक कहते हैं ना, खुद में खो जाना। खुद के अंदर इतनी खो जाओ कि तुम्हें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं रहे। फालतू की चीज़ें, फालतू के लोग, फालतू के विचार, तुम जितना इन सब से दूर हो जाओगे उतना ही कामयाबी का रास्ता तुम्हारे करीब आ जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे सनलाइट अगर कंसंट्रेट करके किसी एक ऑब्जेक्ट पर डाला जाए तो कागज़ का टुकड़ा जल जाता है। ध्यान की यही शक्ति है, और सब कुछ छोड़ के सिर्फ एक चीज़ को करने का यही पावर होता है। आप जब सांस ले रहे होते हो तब आप पानी नहीं पी सकते, क्या आपने इस बात को नोटिस किया है? एक बार में एक काम करने की आदत डालो। अगर दो जगह ध्यान लगाओगे या फिर एक बार में बहुत सारे काम करने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं होगा। सब्जेक्ट जितने भी हैं, चैप्टर जितने भी हैं, एक दिन बैठो तो सिर्फ एक काम लेके बैठो और उसे पूरा करो। और एक चीज़ हमेशा याद रखो, किसी काम को पूरा करने में कभी भी मेहनत नहीं होता। असल मेहनत होती है किसी चीज़ को सीखने में। इसीलिए काम पूरा करने से ज़रूरी है सीखना। चीज़ों को रटने और पढ़ने से ज़्यादा उन्हें समझने की कोशिश करो, क्योंकि जब तुम चीज़ों को समझते हो तो वो चीज़ें देर तक याद रखती हैं। रटी हुई चीज़ें अक्सर कुछ वक्त बाद भूल जाती हैं। ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, पढ़ने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कामयाब होना। पढ़ाई हमेशा कामयाब होने के लिए करते हैं, इसीलिए पढ़ने नहीं सीखने बैठो। बाकी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। किसी भी तरह का सवाल है तो वो भी हमसे पूछ सकते हो। तब तक मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो के साथ अगले दिन। धन्यवाद।